5 जनवरी 1664 मंगलवार को न जाने कैसे सूरत शहर में ये खबर फैल गई कि शिवाजी महाराज अपनी फौज के साथ तेजी से सूरत की ओर बढ़ रहे हैं। बस फिर क्या था, शहर में अफरा तफरी मच गई। जिसको जिधर रास्ता मिला वो उस तरफ भागने लगा। कुछ लोग तो अपने परिवार के साथ नदी पार कर आसपास के गांव में जाने लगे। जो थोड़े बहुत पैसे दे सकते थे उन्होंने किले के अफसरों को घूस देकर किले में अपने लिए जगह पाई। इस सूची में शहर का हकीम यानी फौजदार इनायत खान सर्वप्रथम था। लेकिन इन सब के बीच अंग्रेज और यूरोपियन व्यापारियों में पता नहीं कहां से अचानक ही साहस का संचार हुआ और उन्होंने शिवाजी महाराज की फौज के साथ टक्कर लेने की ठानी। सूरत लूट की इस वीडियो श्रृंखला में हमने पहले वीडियो में सूरत लूट के कारण देखे, दूसरे वीडियो में सूरत शहर की भौगोलिकता देखी। आज के इस तीसरे वीडियो में हम सूरत की प्रत्यक्ष लूट या मुहिम को देखेंगे। तो सूरत के इन व्यापारियों ने शिवाजी महाराज की फौज के साथ दो हाथ करने की ठान ली। उन्होंने अपनी कोठियों में हथियार भरने शुरू कर दिए। उनकी कोठियां भी कुछ बहुत सुरक्षित नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों के मुख्य अफसर जॉर्ज ऑक्सीडेन ने सबको साहस बंधाया और खुद भी डटा रहा। अंग्रेजों ने तोपों के साथ साथ कई अंग्रेज लोगों को इकट्ठा कर लिया। कुल मिलाकर इनकी संख्या अब 100 के करीब हो चली थी। दरवाजे में जो दो बड़े छेद थे उनमें दो तोपें लगाई गई ताकि दुश्मन जैसे ही सामने आए उसे उड़ा दिया जाए। छत पर भी 4 तोपों को काम पर लगा दिया गया ताकि कोटी के बगल वाले रास्ते से आए दुश्मन वहीं ढेर हो जाए। अंग्रेजों ने सारी तैयारियां पुख्ता कर ली थी, यहाँ तक कि जहाँ जहाँ कोठी की दीवारें कमज़ोर थी वहाँ मरम्मत करके उन्हें और भी मजबूत कर लिया गया। लोगों के गुट बनाकर उनके कप्तान भी नियुक्त किए गए। इस तरह अंग्रेजों ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली थी। इस तैयारी का उन्हें इतना आत्मविश्वास था कि बुधवार को अंग्रेजों के मुखिया ऑक्सीडेन ने पीपड़ी बजाते हुए पूरे शहर में रास्तों पर चिल्लाते हुए कहा कि अब हम पूरी तरह से तैयार हैं और हम शिवाजी की सेना को आसानी से हरा देंगे। अंग्रेजों का यह आत्मविश्वास देखकर बाकी के परदेशी व्यापारी जैसे डच, तुर्क और आर्मेनियम का भी साहस बढ़ा और उन्होंने भी हथियार लेकर अपनी सुरक्षा खुद करने की ठानी। लेकिन इन सब में सूरत के मूल निवासी यानी भारतीय लोग या तो डरकर भाग गए थे या अपनी मौत को सामने देखकर भी सो रहे थे। और आखिरकार वो दिन आया। 4,000 घुड़सवारों के साथ मुंबई से होते हुए शिवाजी महाराज सूरत के पास पहुंच ही गए। लेकिन सूरत पहुंचते पहुंचते शिवाजी महाराज की 4,000 की सेना 10,000 की हो गई, क्योंकि रास्ते में दो कोली राजाओं ने अपनी 6,000 की सेना उनके साथ इस लोभ में मिला ली कि लूट का कुछ हिस्सा उन्हें भी मिलेगा। 6 जनवरी 1664 बुधवार को शिवाजी महाराज ने सूरत के बुरहानपुर दरवाजे के सामने 1 मील की दूरी पर डेरा डाल दिया।
सबसे पहले तो शिवाजी महाराज ने इनायत खान को संदेशा भिजवाया कि हमें जितनी चाहिए उतनी राशि देने को अगर मुगल सेना और शहर के धनी लोग तैयार है तो हम बिना शहर में घुसे ही यहाँ से चले जाएंगे। इनायत खान का जवाब आने से पहले ही शिवाजी महाराज के गुप्तचर विभाग के प्रमुख बहिर्जी नाइक ने बताया कि इनायत खान के जवाब से पहले ही शहर पर हमला करने से अमाप धन की प्राप्ति हो सकती है। बस फिर क्या था, शहर में लूट शुरू हुई और लूटने के बाद शहर को जला दिया गया। किले के पहरेदारों ने कोई संघर्ष नहीं किया और मराठे आराम से शहर को लूटते रहे। उनका सबसे बड़ा शिकार आशिया खंड का सबसे धनी व्यक्ति वीरजी वोहरा था। 3 दिन और 3 रात तक उसके घर को लूटा गया। जमीन में धन छुपाने की शंका से उसका फर्श तक खोद दिया गया और सारा धन लूटकर उसकी कोठी को फूंक दिया गया। उसी तरह सईद बेग के घर को भी लूटकर जला दिया गया। उस समय सूरत में ज़्यादातर घर मिट्टी और लकड़ी के बने हुए थे। बहुत ही कम घर थे जो पक्के ईंटों से बने थे। इस वजह से जब पूरे शहर में आग लगा दी गई तो धुएं की वजह से दिन में रात का भास होने लगा, वहीं रात में रोशनी की वजह से दिन का भ्रम होने लगा। अंग्रेज और अन्य विदेशी व्यापारी अपनी अपनी कोठियों में सुरक्षित थे और तैयार भी, लेकिन शिवाजी महाराज का ध्येय मुगल सेना को और उसके शहर को लूटना था। अंग्रेज या अन्य व्यापारियों से उन्हें कोई मतलब नहीं था, लेकिन बेवजह ही विदेशी व्यापारी अपने मुल्क में पत्र लिख लिख कर अपने ही साहस का गुणगान करते हुए हमें दिखते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मराठों के सूरत में किए हुए खून खराबे और आतंक को देखेंगे। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।